ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा स्वाहा, ओम विष्णु देवता भयो स्वाहा, ओम कुल देवता भयो स्वाहा, ओम इष्ट देवता भयो स्वाहा, ओम शांति शांति शांति। ओम रक्षांतम कल्याणम भूर्भवा शांति भवा। हरि ओम मंगलम सर्वप्यामी। आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आकर भोजन परोसती हूँ। आयुष्य मंगलम आयुष्य मंगलम। आशीर्वाद माँ। जुग जुग जियो बेटा। पाँव तो छूने दो माँ। कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे तुम्हारी जैसी माँ और ऐसे आदर्शवादी पिता मिले। क्या बात है, आज बहुत प्यार उमड़ रहा है अपने डैडी पर। नहीं डैडी, मैं सच कह रहा हूँ, आपके आदर्श भी किसी घने वृक्ष की छाया से कम नहीं। तो सारे शहर को इकट्ठा करके एक धूमधाम से पार्टी कर सकते थे, लेकिन बेटे सादगी में ही उच्च विचार छिपे रहते हैं। पार्टियां, शराब पीकर शोर शराबे, आदमी की जिंदगी को शराब का तालाब नहीं जिसमें वो डूब कर मर जाए। शादी की सालगिरह मुबारक। आइए ब्रह्मदत्त जी। सालगिरह मुबारक, हम सब की तरफ से शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद, बस आप लोगों की कृपा से इस घर में सुख और शांति है। आप इनको दान दक्षिणा दीजिए, मैं बाकी लोगों को खाना खिला के आती हूँ। लाइए, लाओ बेटा। बेटा बैग लाना। जी डैडी। ये लो बेटा, ये 25,000 अनाथ आश्रम के लिए दे दो। जी धन्यवाद। ये 25,000 गूंगे बहरे और पीड़ित बच्चों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और ये 25,000 महिला आश्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने यहाँ आकर बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पर। पीछे जाइए और पंडाल में भोजन करके जाइए। धन्यवाद। डैडी, हर साल आप लाखों रुपए दान दे देते हैं, कमाल की बात है। बेटे देने वाला तो वो है, वो देता है लोग लेते हैं, आदमी तो सिर्फ एक बहाना है। डैडी आप महान है, यू आर ग्रेट। विकी क्या चीज है? हेलो हेलो स्वीटी, व्हाट अ ब्यूटी। तुम तो किसी शायर की गजल लगती हो। गजल नहीं, माय नेम इज कविता। क्यों, कॉलेज में सभी को कवि बनाने का इरादा है क्या? बाय द वे, किसके ख्वाबों में रहती हो? ख्वाबों में नहीं, मैं किताबों में रहती हूँ। वाह वाह क्या बात है। एक बार विशाल को देख लोगी तो सारी किताबें भूल जाओगी। विशाल कौन है? विशाल नहीं, तकदीर कहो तकदीर। पता नहीं किसकी किस्मत बदलेगी। रोमियो बन के गुजरता है, हर लड़की जूलियट बन जाती है। और जब वो गाता है तो माइकल जैक्सन उसके सामने बेसुरा लगता है, और जब वो नाचता है तो सारी कुदरत उसके सामने नाचने लगती है। और जब वो प्यार करता है, हाय यही तो बदकिस्मती है, वो किसी लड़की से प्यार ही नहीं करता। साला शिट। ए विकी, अब तक क्लास में नहीं गया क्या? अरे नहीं यार, अब तक 3 सिगरेटें पी चुका हूँ, कोई नशा नहीं हुआ। अरे यार क्या लड़की है, लगता है जमीन पर नहीं दिलों पर चलती है। ऐसी कौन सी लड़की है कॉलेज में? हाँ अरे दोस्त, लगता है किसी जादूगर के जादू नगरी से जादू बनकर आई है। हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता यार, अगर वो जादू होता ना तो हम पर जरूर चलता। लेकिन विक्की, इस कॉलेज में ऐसी कौन सी हसीना है जो शेखर को नहीं जानती? दोस्त पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल तुम्हारा जाने है,
अरे जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। चुप शायर की तुम। अच्छा है साले, ये बता वो गुल कब खिलेगा? बस दोस्त, पीरियड की घंटी बज जाने दे, उसको देखते ही तेरी भी घंटी बज जाएगी। या कम ऑन। वो जो आ रहा है ना, वो शेखर है, कॉलेज का माना हुआ गुंडा। सवाली पैदा नहीं होता, नाम शेखर है। मैंने आपका नाम बहुत सुना है। थैंक यू। कब कर रखा? इस साल भी किसी फ्लॉप ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अरे नहीं यार विशाल, ये क्या है बे? ये सभी अपने आप को रांझे समझकर हीर से मिलने गए थे। अच्छा, मगर वो तो झांसी की रानी निकली। हाँ? तुम देखोगे ना तो तुम्हारी भी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, अबे डैम इट, क्या है रे? ए, सिगरेट नहीं पीने का? छोड़ यार। अच्छा सुन, ये लड़की कोई खास चीज है क्या? खास दोस्त, एक बार देखोगे ना तो यही गाते फिरोगे, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता। कविता आपकी सादगी का क्या कहिए, फूल भी देखकर मुस्कुराते हैं जी। बंदे को विशाल कहते हैं। एक बार विशाल को देख लोगी तो सारी किताबें भूल जाओगी। विशाल कौन है? विशाल नहीं, तकदीर कहो, तकदीर। दोस्त, उसे एक बार देखोगे ना तो यही गाते फिरोगे, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, ते प्यार में है कविता। आपके बारे में जैसा सुना था आप बिल्कुल वैसे निकले। आपको देखकर जानती कैसा लगा, हुस्न क्या, शबाब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या। बस आप है, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, फूल का शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप है, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। सामने शोभी है गुलाब क्या,
बोलता शबाब क्या, हुस्न महताब क्या, आप तो बस आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। बस आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। आप हैं, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या, आपका जवाब क्या। विशाल, अरे कविता, लो मुंह मीठा करो। लो कर लिया, लेकिन किस खुशी में? मेरे बड़े भैया को पुलिस स्टेशन का चार्ज मिला है। वेरी गुड, क्या नाम है उनका? इंस्पेक्टर विक्रम। इंस्पेक्टर विक्रम, क्या इंस्पेक्टर विक्रम क्रिएट्स पैनिक इन थर्ड वर्ल्ड किंगपिंस, यही है तुम्हारे भैया? यही तो है मेरे भैया। अरे क्या बात है तुम्हारे भैया की, चार्ज लेते ही सारे शहर में तहलका मचा दिया इन्होंने। आखिर भैया किसका है? क्या बात है, सुनो, हवालात में सारे बदमाश परेशान हैं और उन्हें छुड़वाने के लिए सारे शहर के वकील भी परेशान हैं। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है, बस आप इतना कर दीजिए, बाकी मैं कोर्ट में देख लूंगा। हाँ आइए आइए मिस्टर जंगा, कोई दूसरा आदमी पकड़ा गया है क्या? गोल साहब, अभी तक तो अपना पहला आदमी ही लॉकअप से बाहर नहीं आ पाया है। ये लीजिए 10,000, लेकिन किसी तरह से हमारे आदमी को बाहर करवा दीजिए। नो आई एम सॉरी मिस्टर जंगा, मैंने अपनी, आप कहें तो इस इंस्पेक्टर को कुछ ले देकर मामला। ना 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 ना, ऐसा मत करना, नहीं तो रिश्वत के केस में अंदर कर देगा। मैंने सब पता कर लिया है, जिस दिन इंस्पेक्टर विक्रम की ट्रांसफर बॉम्बे में हुई थी, नासिक के गुंडों ने जश्न मनाया था, मिठाइयां बांटी थी। वकील साहब, आप कहें तो ऊपर से जोर डलवाकर यहां भी मिठाइयां बंटवा दूं? ना, कहीं भूल से भी यह गलती ना कर बैठना। नासिक के वागमारे को जानते हो?
हाँ हाँ, दो नंबर के धंधे का बादशाह है वो। है नहीं, था। क्या मतलब? उसने एक बार इंस्पेक्टर विक्रम की ट्रांसफर करने की कोशिश की थी, आज तक जेल में सड़ रहा है। बेहतर तो यही है कि अपना एक दूसरा आदमी अंदर भिजवा कर पहले वाले को यह संदेशा दिलवा दीजिए कि उसके बीवी बच्चों को 2000 रुपया महीना मिलता रहेगा। वो अपनी जबान न खोले। ये हमारी हार है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त करने में ही बेहतरी है, क्योंकि इंस्पेक्टर विक्रम एक खतरनाक चीता है, चीता, और खतरों से खेलना उसका शौक है। ब्राउन शुगर। सर, लगता है मुजरिम खतरनाक भी है और चालाक भी। इंस्पेक्टर गिल, खतरनाक हो या चालाक, मुजरिम मुजरिम होता है। भोले और इनसन लोगों को जहर पिलाने वाला वो शैतान अब मेरे हाथों से ज्यादा दिन नहीं बच पाएगा। नॉनसेंस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जानते हो 10 करोड़ के माल के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है? 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की यह हिम्मत के हमारे गरीबा पे हाथ डाले? शन दुनिया के हर आदमी को खरीदना जानता है। जंगा, उस कुत्ते से जाकर पूछो कि उसकी कीमत क्या है। सर, वो सरकार का सबसे वफादार कुत्तों में से एक है। बेहतर है आप अपनी टांग बचाए रखें। मतलब? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने ड्राइवर को मार डाला, वरना विक्रम अभी तक आपके ऊपर झपट चुका होता। क्या इतना खतरनाक है वो? जी, नासिक वाले वाघमारे ने जरा से उसे छेड़ने की कोशिश की तो वो अभी तक जेल में सड़ रहा। तो उस मोरे को निकालने के लिए राजनीति की शतरंज में कोई नई चाल चलनी होगी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अरे क्या कर रही ज्योति, पेट भर गया? अरे कैसी बातें करते हो, कभी कभी तो चाव से खिलाने का मौका मिलता है। खा लो भैया, खा लो, भाभी का चाव पूरा हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रही हो, गाजर का हलवा नहीं खाओगी? भैया भाभी ने मुझे आपसे पहले ही खिला दिया है। हाँ? तो एक चम्मच अपने। ओके। ये लो। नाज है। आहा, बड़ा नाज है तुझे तेरे भैया पर।
अरे नाज करना है तो मुझ पर कर, जिसे तेरे भैया का इंतजार करते करते रात का खाना दिन को खाना पड़ता है और शाम की चाय नसीब हो पनी मत समझो। भैया भाभी के लिए कंप्लेंट बुक घर पर लाकर रख दो ना। बेटी उसकी क्या जरूरत है, मैं जो पुराना रजिस्टर बनकर बैठी हूँ। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी सास को मेरे ससुर से यही शिकायत रहती थी और मुझे विक्रम के बाप से। हाँ माँ, हमारा पुलिस का खानदान नहीं। और अरे कैसी बातें करते हो, भी तो चाव से खिलाने का मौका मिलता है। खा लो भैया खा लो, भाभी का चाव पूरा हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, गाजर का हलवा नहीं खाओगी? भैया भाभी ने मुझे आपसे पहले ही खिला दिया है। हाँ? तो एक चम्मच अपने भैया से हो जाए। ओके ये लो भैया की चमची। हाँ हाँ मैं भैया की चमची हूँ। मेरे भैया कितने बहादुर है, कारनामे करते हैं। मुझे अपने भैया पर नाज है। बड़ा नाज है तुझे तेरे भैया पर। अरे नाज करना है तो मुझ पर कर, जिसे तेरे भैया का इंतजार करते करते रात का खाना दिन को खाना पड़ता है और शाम की चाय नसीब हो तो गनीमत समझो। भैया भाभी के लिए कंप्लेंट बुक घर पर लाकर रख दो ना। बेटी उसकी क्या जरूरत है, मैं जो पुराना रजिस्टर बनकर बैठी हूँ। जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो मेरी सास को मेरे ससुर से यही शिकायत रहती थी और मुझे विक्रम के बाप से। हाँ माँ, हमारा पुलिस का खानदान नहीं, औरतों के कंप्लेंट का ऑफिस है। तंग आए गए हैं, कब हम पुलिस वाले तंग करते हैं तो कभी म्युनिसिपैलिटी वाले। अब अगर नया साहब आ गवाह है तो हम क्या करें भाई? तो तुम्हारा नाम पांडे है? जी हाँ, भगवान के दया से म्युनिसिपैलिटी से लेकर के सब्जी मंडी तक बहुत इज्जत है, दोनों का भला इसी में है। हरामखोर, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे रिश्वत देने की? गुंडागर्दी मचा रखी है, बदमाश कहीं के, गांव में भीख मांगते थे। अरे शुक्र करो, प्रणाम करो उस धरती को जो तुम्हें रोटी दे रही है। हर महीने गांव वालों को मनी ऑर्डर भिजवा सकते हो। दिमाग खराब हो गया, ले जाओ ले, बंद कर देना वाला अपने। साहब जीप रेडी है? जी हाँ। ओके चलो। चलो सामने सामने। जय जयकार होगी। शांति। देशवासियों, इस देश का भविष्य आप लोगों के ही हाथ में है। जैसे आज का बोया हुआ बीज कल का वृक्ष बनकर लोगों को छाया देगा, वैसे ही मेहनत और इमाम आने वाली पीढ़ी को सुख और समृद्धि देगा। खामोश बेईमान गुंडे बदमाश, तेरे मुंह से मेहनत और ईमानदारी की बात अच्छी नहीं लगती। तूने मुझ जैसे गरीबों का खून चूस चूस के उनको घर से बेघर किया है। छोड़ दो मुझे, जब तक तुझ जैसे बेईमान लोग जिंदा हैं, देश का वर्तमान तो क्या भविष्य भी खतरे में है। तुझ जैसे लोग देश का कलंक कलंक। याद रख, गरीबों की हाय तुझे जीने नहीं देगी। जीने मुझे छोड़ दो। जय किशन, आज तू मेरी आवाज नहीं दबा सकता। आज मैं तेरे चेहरे से नकली नकाब उतार के ही रहूंगा। और ये लोग जो तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, तेरे मुंह में थूकेंगे, तेरे काले कारनामों का हिसाब पूछेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय किशन, आज मैं तुझे नंगा करके ही दम लूंगा। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देख लिया आपने, ये विपक्षी दल की शरारत है। वो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, क्योंकि उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं और वो विदेशी एजेंट बनकर हमारे देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। आओ आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम इस देश की शांति को बरकरार रखेंगे। Oh,
समाज के पहरेदार, बताओ क्या खिदमत करूं मैं तुम्हारी? तुम जय किशन के बारे में क्या जानते हो? जय किशन? दो नंबर का काम करने वाला हर आदमी जय किशन होता है। तुम किस जय किशन की बात कर रहे हो? वो जो लीडर बनकर भाषण दे रहा था, वही गालियां दी थी। अच्छा अच्छा, तुम उस कुत्ते की बात कर रहे हो जिसके गले में विदेशी पट्टा लटका हुआ है मगर जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इंस्पेक्टर, वो बड़ा जालिम आदमी है। चंदनपुर के जंगलात में सरकारी अफसर था, माल चोरी करवाया करता था, और जब मैंने उसे पकड़वाना चाहा तो उसने मेरी बदल कर दिया। इससे पहले कि मैं उससे बदला लेता, उसने चालाकी करके मुझे जेल भिजवा दिया और खुद नौकरी छोड़ के बंबई चला आया और यहाँ आकर विदेशी लोगों के साथ काला बाजारी करने लगा। मैं उसके एक एक राज को जानता हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि पहरेदार चोर को सब बता देते हैं और बताने वाला बेचारा फांसी के फंदे पे लटक जाता है। लेकिन इस बार फंदा चोर के गले में लटकेगा। छूट, बिल्कुल छूट। सारे देश में बेईमानी और रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, सब दबे को दबाते हैं। तुम तो अपनी कीमत लेके अलग हो जाओगे, मैं गरीब बेमौत मारा जाऊंगा। लेकिन अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा रामदीन, मैं तुमसे वादा करता हूँ। वादा? वादों की कश्ती में बैठ के जिंदगी का सफर पूरा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। बड़े बड़े नेताओं से लेकर तुम जैसे लोग सब वादे ही तो करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। शराब की इस खाली बोतल की तरह तुम्हारा विश्वास भी खत्म हो चुका है। झूठे वादों की बात करते तुम खुद झूठे हो गए। वो कैसे? सच बोलने से कितना डर लगता है तुम्हें? एक बात याद रखना रामदीन, रोशनी को दुनिया की कोई भी ताकत कैद नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं बताओगे फिर भी मैं जय किशन को ढूंढ निकालूंगा। तुम बता देते तो मेरे लिए आसान हो जाता। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन कर लूं? यकीन होता नहीं, यकीन किया जाता है। और मैं जय किशन की तरह भाषण नहीं देता, वरना फटे हुए कपड़ों के अंदर जो तुम हो वर्दी के अंदर मैं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हार मान चुके हो और मैं हारा नहीं। ये बात है तो मिलाओ हाथ और वसई वाले खंडर पे जाके छापा मारो, वहां तुम्हें उस कमीने का पता चल जाएगा। शुक्रिया रामदीन, शुक्रिया। अभी तक हमारा प्यादा नहीं आया। बस अब आता ही होगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। हाँ मिस्टर गिल मिलना चाहते। आने दो उसे। जंगा हाय। हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। आइए गिल साहब, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, बैठिए। जंगा लीजिए। थैंक यू जेके साहब।
इस बार तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन अगली बार शायद मुश्किल हो जाए। What do you mean? इंस्पेक्टर विक्रम के हाथ हथकड़ी लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। गंगा, इस बारे में तुम क्या कर रहे हो? सर, मैंने ऊपर तक का जोर लगा लिया है, लेकिन विक्रम का पास रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि अगर हमने उसकी ट्रांसफर कराने की कोशिश की तो मामला असेंबली तक पहुंच जाएगा और फिर हम बहुत मुश्किल है। थैंक यू सर। ये लो। ये किस खिदमत के लिए? विक्रम के पिंजरे के लिए। हाँ, समझ गया। अक्सर आप इतने सारे पैसे कहां से लाते हैं? देखो, मेरा नशा मत उतारो। तुमसे कितनी बार कहा है कि आम खाओ, पेड़ क्यों गिनती हो? ओहो, छोड़ो भी। और कभी बेटे के बारे में भी सोचा है? दिन पर दिन सूखता जा रहा है, हमेशा आंखें लाल लाल सी रहती हैं। मुझे तो लगता है कोई नशा वशा करता है। अजय? हाँ। विकी! आया। ओ विकी, यहाँ आओ। यहाँ आओ विकी। कमिंग डैड। यस डैड। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? आंखें? आंखें तो आपकी भी लाल हैं डैड। अजय, आंखें तो तुम्हारी भी लाल नजर आ रही हैं डार्लिंग। खाते पीते लोगों की आंखें तो लाल ही रहती हैं। डैडी, मुझे वो 300 रुपए चाहिए थे, प्लीज डैडी। हाँ, लो। 300 रुपए? अभी कल ही तूने 200 रुपए लिए थे ना? देखो ना डैड, माँ क्या कह रही है, अब आप ही बतलाइए ना। खाते पीते घर के लोगों को स्टेटस तो मेंटेन करना ही पड़ता है ना, है ना डैड? ओ यस, ओ यस। ये लो, और याद रखो, किसी भी अमीरजादे से कॉम्प्लेक्स मत खाना। ओ नेवर डैड। ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर स्टेटस। ओके। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू डैड। Oh, Satya!
ये दोनों वो नामी चोर हैं जो अब तक 1500 चोरियां कर चुके हैं, मगर इतने चालाक हैं कि पुलिस की फाइल में अब तक इनका रिकॉर्ड नहीं है। जिन चोरों के तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर रक्षक हों, वो पकड़े कैसे जा सकते हैं? चोर छोटा हो या बड़ा, हिफाजत तो हम ही को करनी पड़ती है साहब। क्या मतलब? मतलब बहुत सीधा है जेके साहब, सेवा हम उसी की करते हैं जो हमें मेवा देता है। ओ, तो ऐसा कहो ना, ये रहा तुम्हारा मेवा, और इसी तरह दिल लगाकर सेवा करते रहो। हाँ, ताली तो दोनों ही हाथों से बजती है जेके साहब। ऑफ कोर्स। आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ बेटे, आज तुम्हारा छोटा भाई अमर इंस्पेक्टर बनकर आ रहा है। काश तेरे पिताजी होते तो आज तुम दोनों को साथ साथ देखकर कितने खुश हो जाते। फिक्र मत करो माँ, पिताजी के इस सपने को हम दोनों भाई मिलकर पूरा करेंगे। देखो, तुम जिसे लेने जा रहे थे वही खुद आ गया। आप कुलकर्णी, कमिश्नर सीबीआई। मैं जानता हूं कुलकर्णी साहब, कई रेड कहां डाली? आपके घर में। मेरे घर में? ये आप क्या कह रहे हैं? सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आप जो भी माल पकड़ते हैं पूरा का पूरा कानून के हवाले नहीं करते। अच्छा कुलकर्णी, आप जानते हैं ये बात आप किसके बारे में कह रहे हैं? यस इंस्पेक्टर विक्रम। तो याद रखिए मिस्टर कुलकर्णी, अगर ये गलत निकला तो मैं आप पर मानहानि का दावा कर दूंगा। ये है आपकी मान मर्यादा? नहीं, ये किसी की साजिश है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। हर होशियार पति अपनी पत्नी की निगाहों में देवता बना रहता है। उतार दो उसके फीते। अरेस्ट हिम। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। आज तक ये हथकड़ियां हमने मुजरिमों को पहनाई हैं। अरे तुम कैसे ऑफिसर हो? तुम हमारा खानदान तक नहीं पहचानते। हमारा खानदान पुलिस का है। अगर हम रिश्वत लेने वाले होते तो आज हमारे पास लाखों रुपया होता, बंगले होते, गाड़ियां होती। अरे इसके बाप दादा इज्जत के लिए मर गए। आज ये कैसा घोर कलयुग आ गया। इंसाफ दिलाने वाले, इंसाफ देने वाले को आज आप मुजरिम ठहरा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं कानून के आपको मजबूर हूँ। चलिए। नहीं, मैं अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगी। अगर ऐसे लोगों को कानून पकड़ने लगा तो याद रखो, इस देश से भ्रष्टाचार, आगजनी, गद्दारी कभी खत्म नहीं होगी। कभी खत्म नहीं होगी। कभी खत्म नहीं होगी। बाजी, बाजी, ये आपको क्या हो गया? बाजी माँ, बाजी माँ, बाजी 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 बाजी, ये आपको क्या हो गया? बाजी बाजी बाजी
लगता है ईमानदारी का अंत हो गया। नहीं मामा, मामा जी, भैया माँ जी, नहीं माँ जी, भैया माँ हमें सदा के लिए छोड़कर चली गई। बेटा, मेरी बहन, चीयर्स। भाई जंगा, वाघमारे का क्या हुआ? जेल में सर। और इंस्पेक्टर विक्रम का क्या हुआ? वो भी वाघमारे के आसपास कहीं होगा। भाई गिल, हमारी तरफ बढ़ती हुई हथकड़ी का क्या हुआ? वो हथकड़ी, वो हथकड़ी इंस्पेक्टर विक्रम के हाथों में खनक रही है। जेल की सलाखों के पीछे रो रहा है बेचारा। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि इस साजिश के पीछे जयकिशन का बहुत बड़ा हाथ है। और सच तो यह है कि ईमानदारी एक ऐसी शराफत है जिसे कोई भी रिश्वत की गोली से मार सकता है। मैं भी उसी का शिकार बना गया हूं। मां की मौत के जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मां तो बर्दाश्त ना कर सकी, कविता और ज्योति बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं? फर्ज की जंग में मेरी यह हार एक घायल योद्धा की जैसी है। सोचता हूं कि जेल से बाहर निकलने के बाद इसे बर्दाश्त कर सकूंगा कि नहीं। भाई साहब, लगता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा। आपके रिहा होने से पहले मैं आपका यह कलंक मिटा चुका हूंगा। नहीं अमर, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्दी की अपनी सीमाएं होती हैं। वर्दी सिर्फ जिस्म को कैद नहीं करती, बल्कि कानून के असूलों से आदमी को बांध देती है। अब कानून तोड़ने वालों से बिना वर्दी के ही निपटना होगा। नहीं भाई साहब, वर्दी कानून की शान है जो वक्त पड़ने पर किसी भी मुजरिम के गले का फंदा बन सकती है। बस आपकी कुर्सी पर बैठने की देर है। नहीं अमर, नहीं। इसी वर्दी को पहनकर मैं कई साल शान से चला हूं। अब देख लो, जयकिशन ने ऐसा डंक मारा है कि जेल में सड़ रहा हूं। वक्त बहुत खराब हो चुका है मेरे भाई। ईमानदारी से चलना अंगारों पर चलना है। जरा संभल के चलना मेरे भाई, संभल के। मैंने थैंक्स मिस्टर जैकसन। पुलिस के जवानों को, विधवाओं के लिए ये बहुत बड़ा उपकार है। वालिया साहब, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज पब्लिक की नजरों में इतनी गिर चुकी है कि एक मामूली शहीद सिपाही के परिवार की तरफ उनकी नजर ही नहीं जाती। ये 5 लाख की तुच्छे भेंट कब तक उन बेचारों का पेट भर सकेगी? अरे ये तो आपका बड़पन है जयकिशन जी, दैट्स योर ग्रेटनेस। मे आई कम इन सर? आओ महाराज, मीट मिस्टर जयकिशन। जयकिशन, नमस्ते। दूर से हाथ मत जोड़िए जयकिशन साहब, मुझे आदमी को नजदीक से पकड़ने की आदत है। बिल्कुल अपने भाई की तरह है। माफ कीजिएगा, मैं आपका सही इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गया। आप ही की तरह इस शहर में एक बहुत मशहूर नाम था, इंस्पेक्टर विक्रम। ये उसी का छोटा भाई है। विक्रम का छोटा भाई? बेचारा विक्रम, उसकी ईमानदारी उसे खा गई। जिस शिकारी ने उसका शिकार किया है जयकिशन साहब, वो हमेशा आपकी तरह मेरी आंखों के सामने रहता है। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। अवश्य, दानी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, आप मुझसे निराश नहीं होंगे। वालिया साहब, इजाजत चाहता हूं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयकिशन जी। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अमर। अमर, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे भाई की जगह अपॉइंट किया जाता है। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है तुमसे वो गलती नहीं होगी जो तुम्हारे भाई से हुई। नहीं होगी सर।
यू मैं कहो हो अबे तमाकू मलते मलते मेरा हाथ गरम हो गया, लेकिन तूने अपना रोना मन नहीं किया। आखिर बात क्या है, रिपोर्ट लिखवाओगे या रोते ही रहोगे? हवालदार पांडू साहब, बोलो। अगर मैंने रोना बंद कर दिया तो आप रोना शुरू कर देंगे। आए? मैं रोना शुरू कर दूंगा क्या मतलब? पहले आपको मुझे गारंटी देनी होगी कि आप हमेशा की तरह मेरी पिटाई तो नहीं करोगे। अच्छा अच्छा, ये बात है। बैठ। अच्छा बता, क्या बात है? कैसे बताऊं? अरे मुंह से बता, और कहां से बताएगा? लो एक बात बता। क्या? चोरी की है? जी नहीं। डाका डाला है? जी नहीं। किसी लड़की को छेड़ा है? जी नहीं। तो यहाँ क्यों मर रहे हैं फिर? पहले आप ये बताइए, हाँ? आपका दिल तो मजबूत है ना? अबे दिल अगर मजबूत नहीं होता तो ये कैसे मिलता? बात ये है, हाँ? वो आपकी इकलौती बेटी है ना, इठलाती, बल खाती, मृगनाइनी, चमेली, जो अब तक थी अकेली, वो भाग गई। पता किसे भाग गई? किसे भाग गई? मेरे साथ नहीं, फिर चक्कू दादा के साथ। अभी मालूम हो जाएगा। क्या हो रहा है? सलाम साहब, ये पुलिस स्टेशन है या झोकरों का अड्डा? ये माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जी। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग जी। जी जी, वेलकम इंस्पेक्टर अमर, मुबारक हो, बैठो। आज तुम्हें देखकर मुझे विक्रम साहब की याद आ गई। वो बहुत ही सच्चे, नेक और ईमानदार इंसान थे। हाँ, मगर अपनों में से किसी बेईमान ने उन्हें डंक मार दिया। मिस्टर गिल, मैं वो चालाक सपेरा हूं जो सांप को गर्दन से पकड़ना जानता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब जो भी इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाएगा, उसको मेरी दो आंखें ही नहीं, ना जाने कितनी आंखें उसका पीछा कर रही होंगी। कविता, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। भैया के जेल जाने के बाद घर में मातम सा छा गया है। ऐसा लगता है जैसे हम सब रोते रोते एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कविता, निराशा तो एक घूप अंधेरा है जिसमें आदमी कुछ नहीं देख सकता। हाँ, उम्मीद की किरण का इंतजार जरूर रहता है। वो उम्मीद मेरे भाई अमर हैं। मुझे विश्वास है कि वो दुश्मन के गले तक जरूर हाथ डालेंगे। भगवान करे कि वो दिन जल्दी आए। तुम्हारे चेहरे की उदासी देखकर मैं खुद भी बुझा बुझा सा रहता हूँ। काश मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी खुशियां लौटा सकता। विशाल, क्या मेरे लिए इतना कम है कि तुम मेरा दर्द बांट लेते हो? मैं तुम्हारा सिर्फ हमदर्द ही नहीं, हम सफर भी हूँ। तुम नहीं जानती कविता, जब भी तुम्हें कोई काटा चुभता है तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। विशाल, thank you।
जिसको हम कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू मिस्टर बार्कर, ये तो तुम्हारी ग्रेटनेस है। यू आर ग्रेट, आई एम ग्रेट, एंड वी विल हैव ग्रेट फन। ब्राउन शुगर, हीरोइन, स्मैक और बिलियन रुपीस। जानते हो पार्टनर हम क्यों देते हैं? मिस्टर बार्कर, आप विदेशी लोग यही चाहते हैं ना कि हिंदुस्तान के सारे नौजवान ये नशीली दवाइयां खाकर हमेशा के लिए नामर्द हो जाएं, ताकि हिंदुस्तान का फ्यूचर अंधेरे में डूब जाए। What a brilliant brain! तुम कितना दिमाग रखता है। मिस्टर बार्कर, इस दिमाग की करामात है कि हिंदुस्तान के बहुत से नौजवान इन दवाइयों के नशे में चूर हैं, डूबे हुए हैं। But... तुमने हमारे नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में क्या सोचा? यू मीन हमारी गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट पेपर्स? मिस्टर बार्कर, कल रात हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। एनीवे, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो वो पेपर्स मिल जाएंगे। हमको यही उम्मीद था। आई एम रियली वेरी हैप्पी जय किशन। गुड लक, ऑल द बेस्ट। इस देश के हमारे एजेंट्स को खबर कर दो कि हमें डिफेंस के टॉप सीक्रेट पेपर्स चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है, काम होना चाहिए। हम आदमियों को नोटों में तोल देंगे। राइट सर, हम आज ही से अपने इस मिशन पे लग जाते हैं।
टाइगर स्पीकिंग। एजेंट नंबर 331, बॉस, गर्द और हेरोइन में कोई ऐसी जहरीली चीज आ गई है जिसकी वजह से अस्पताल में लोग तड़प रहे हैं। फिलहाल सारी सप्लाई बंद कर दो। ओवर। नहीं बेटा नहीं, तू मुझे छोड़कर मत जा। डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे इस वक्त तू ही तो एक सहारा है। डॉक्टर, डॉक्टर इसे बचाइए, डॉक्टर इसे बचाइए, डॉक्टर मेरा एक ही तो सहारा है, डॉक्टर इसे बचाइए, डॉक्टर इसे बचाइए। डॉक्टर, आप जैसे काबिल डॉक्टर के होते हुए भी इतनी मौतें? ये जिम्मेदारी हमारी नहीं, ये उन जहर बेचने वालों की है जिनको जहर बेचता हुआ देखकर आप लोग आंखें बंद कर लेते हैं। डॉक्टर स्वामी, मिस्टर इंस्पेक्टर, क्या आप नहीं जानते कि किस एरिया में कौन और कहां ये जहर बेचता है? याद है जब हम डॉक्टर बने थे तो हमने कसम खाई थी कि हम सिर्फ मरीजों को बचाएंगे, और आप लोगों ने कसम खाई थी कि इस समाज को बुराइयों से बचाएंगे। हम अपनी कसम पूरी कर रहे हैं इंस्पेक्टर, पूरी कर रहे हैं, और तुम लोग अपनी कसम भूल गए हो, भूल गए हो आप। अरे भागो, चल भाग कर भागो, चल जल्दी बता माल किसका है, बता। बचाता हूँ, बचाता हूँ। गाड़ी रोको, चारों तरफ से गोडाउन का घेर लो। ये गुड़ान किसका है? पेपर क्या कह रहे हो? ये जंगा ने सब कुछ बख्त नहीं दिया? यहां नहीं बका तो सेंट्रल जेल में जरूर बक देगा। ओ गॉड, अब करना क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिपार्टमेंट को मुझ पर शक हो गया है और सीआईडी मेरे पीछे लगी है। बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचा हूं, मगर हां, कल इंस्पेक्टर अमर चंगा को कोर्ट तक ले जा रहा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कहा
कहां भाग गया? कर लिया तुम्हारी वर्दी ने? भाई साहब, मैंने जय किशन के आदमी को तो पकड़ लिया था, मगर वो भाग गया। सबूत के पीछे भागते भागते तुम थक जाओगे अमर, लेकिन जय किशन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो गुंडा है। अब मैं गुंडा बनकर उसे निपटूंगा। वर्दी पहनकर तुम हम पर रोड चला दर्ज नहीं हो सकती। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। आखिर उस इंस्पेक्टर के साथ आपका रिश्ता क्या है? खामोश। मैं जानता हूं वो अकेला था और तुम सब ने मिलकर उस पर हमला किया। अगर रिपोर्ट दर्ज करवाओगे तो फौजदारी के केस में सबसे पहले तुम अंदर हो जाओगे, समझे? मैं ये कह रहा था माई बाप के, मेरे नुकसान का क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। आपके नुकसान का हर्जाना मैं लेकर दूंगा। अभी आप जा सकते हो। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दुनिया भर की दौलत दे दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मुझे एक बार छोड़ दो। कमीने, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये क्या हो गया आपको? मुझे मेरा मकसद मिल गया है। मकसद? नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं? चुटकी भर सिंदूर है, डाला तो क्या, ना डाला तो क्या? सुनिए सुनिए सुनिए। क्या हुआ? आपसे भी झगड़ा? पता नहीं क्या हो गया भैया को, आज सब्जी वालों से भी झगड़ा किया है उन्होंने। पता नहीं क्या होने वाला है। आज आप विशाल के कॉलेज में अध्यक्ष बनकर जा रहे हैं, इसलिए शगुन के लिए दही लाई हूं। लक्ष्मी, तुम कुछ ज्यादा ही धर्म कर्म में मानती हो। हाँ, आपकी धर्म पत्नी जो ठहरी। इस पुरुष समाज में धर्म तो पत्नी को ही निभाना पड़ता है।
हाँ वो तो है। चलिए दही खा लीजिए, मैं आपके कपड़े तैयार करती हूँ। ओके। तुम? हाँ मैं। तुमने बारूद को आग लगाकर अच्छा नहीं किया। याद रखना जयकिशन, मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बुझे हुए कोयले धुआं नहीं देते। कलंक का टीका लगाकर मुझ पर उंगली उठाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। फर्ज की जंग में बहादुर जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी है। खेल तो बच्चे खेलते हैं, बहादुर वार किया करते हैं। मारने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए मिस्टर, और वो तुझ में नहीं है। मारने की नियत से आता तो तेरे लिए एक ही गोली काफी थी। एटम बॉम्ब के जमाने में छोटी मोटी गोलियों की बात नहीं करते। अगर दोबारा मेरे घर में आकर ऐसी गंदी हरकत की तो खाल खींच कर चौराहे पे लटका दूंगा। अरे जा रे शीश महल के कुत्ते, मैंने कानून का नमक खाया है, और अगर मैंने तेरे गले में जंजीर डालकर तुझे कानून के हवाले नहीं किया तो मेरा नाम विक्रम नहीं। बाय। डैडी, ये इंस्पेक्टर विक्रम बेटा जेल से छूटने के बाद बेचारा कुछ पागल सा हो गया। पागल? No।
हमारे कॉलेज के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि शहर के बड़े प्रसिद्ध जनसेवक और समाज सुधारक माननीय श्री जयकिशन जी इस फंक्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं। आइए, पुरस्कार पाने वालों में सबसे पहले हमारे कॉलेज की होनहार विद्यार्थी मिस कविता। नहीं, मैं इस देशद्रोही से नाम नहीं लूंगी। कविता, कविता, तुमने मेरे डैडी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। Your father? तुम्हारे डैडी? हाँ, मैं ही जय किशन जी का बेटा हूँ। जय किशन का बेटा? हाँ। जिस कमीने की वजह से मेरा हंसता खेलता घर उजड़ गया, मेरी माँ की मौत हो गई, मेरे भैया को जेल भिजवा दिया। जेल भिजवा दिया? तुझे कानून के हवाले नहीं किया तो मेरा नाम विक्रम नहीं। डैडी, ये इंस्पेक्टर विक्रम बेटा जेल से छूटने के बाद बेचारा पागल सा हो गया है। चुप क्यों हो गए?
सच्चाई के सामने झूठ कैसे कांपने लगता है? कविता तुम्हारी कसम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो अपनी किस्मत को कोसती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में कैसे आ गए। ऐसा मत कहो कविता, प्यार भगवान का दूसरा रूप होता है। मगर शैतान भगवान का दुश्मन है, मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे लड़के मुझे जिंदगी में हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भैया जैसे आदमी लाखों में एक ही होते हैं। शर्म नहीं आई तुझे? अरे बोलता क्यों नहीं, सांस हो गया तुझे? माँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया या कुछ कह दिया तो तुम्हारे मन मंदिर में बसी हुई पति परमेश्वर की मूर्ति हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी। देखा, इसे पाने के लिए मंदिरों की चौकड़ों पर माथे रगड़े, दरगाहों में दिए जलाए, इसलिए कि बड़ा होकर बाप के सामने सर उठाए। डैडी, मैं आज तक दोस्तों के सामने, यहां तक के सबके सामने सर उठाकर चलता था। लोगों से यह कहता था कि मैं एक महान बाप का बेटा हूं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक महान बाप का नहीं, एक गद्दार का बेटा हूं। चुप रहो विशाल। नहीं मां, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। इनसे पूछो कि यहां विक्रम क्यों आया था। ये एक दानी का घर है, कोई भी झोली फैलाया आ सकता है। वाह वाह डैडी, क्या दानी इंसान है आप। आपने एक शरीफ और ईमानदार इंस्पेक्टर को जेल दान कर दिया। ये झूठ है। क्या यह भी झूठ है? क्या आप हीरोइन और ब्राउन, आपके बेटे जैसे लाखों नौजवान मर रहे हैं? यू आर अ किलर, आप हत्यारे हैं। डैडी, अब तो मुझे सिर्फ इस बात का पता चला है, लेकिन जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो गया, तो अगर इस शहर में आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन होगा तो वो आपका बेटा होगा। विशाल। क्या बात है मां, बहुत परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज होकर रात को घर छोड़कर न जाने कहां चले गए। मेरा जी बहुत घबरा रहा है विशाल। दबे पाओ तो चोर भागा करते हैं मां। विशाल, सच्चाई का आईना बहुत साफ होता है मां, लेकिन झूठा आदमी उसमें अपनी शक्ल नहीं देख सकता। तुझे शर्म नहीं आती मेरे कोख से पैदा होकर मेरे सुहाग को पहुंचना चाहते हो? अगर उन्हें कुछ हो गया मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकूंगी विशाल। एक गद्दार का खून तुम्हारी मां का सिंदूर हो सकता है मां, मेरा पाप नहीं। विशाल, ये तो क्या कह रहा है बेटे? आज तुम ऐसे मोड़ पे खड़ी हो मां, जहां तुम्हें अपने सुहाग और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना होगा। विशाल। नो 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 मिस्टर पार्कर, आंखें खोलकर आग में कूदा नहीं जा सकता। जब से हमारा आदमी डिफेंस पेपर के साथ पकड़ा गया है, सारे हिंदुस्तान का खुफिया डिपार्टमेंट हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। पर मिस्टर जे किशन, तुम्हारे ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। अगर आप तुमने डिफेंस सीक्रेट्स के पेपर्स ना दिए तो याद रखना, बाहर के देश का ताकत सबसे पहले तुमको खत्म कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर गिल हियर। मैं जेके बोल रहा हूं। गिल, इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूं। चारों तरफ से सीबीआई और सीआईडी ने जाल फैला रखा है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो किसी को शक नहीं होगा। जेके साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि आप मुझे इस तरह फोन मत किया कीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे सर पर मौत मंडरा रही है। शट अप, अपनी हैसियत समझो। यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें लाखों रुपए की रिश्वत खिलाई हुई है। कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर जेके। अगर तुमने मुझे लाखों की रिश्वत दी है तो मैंने भी तुम्हारा करोड़ों का काम किया है, समझे? तो तुमने सब कुछ सुन लिया है? हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। आज तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आई है। तुम लाखों रुपया रिश्वत में लेते रहे? हाँ लेता रहा, लेकिन किसके लिए? तुम लोगों के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी शांति के लिए। झूठ, हमने तुमसे सिर्फ दो वक्त की रोटी और इज्जत चाही थी। आज पता चला कि तुम हम माँ बेटे को हराम का जहर खिलाते रहे। याद रखना, औलाद से बढ़कर माँ बाप के लिए दूसरी और कोई दौलत नहीं होती। तो
तुम्हारा ये रिश्वत का अभिशाप एक दिन हमें बर्बाद करके रख देगा। नहीं स्वर्णा नहीं। मर गई तुम्हारी स्वर्णा। तुम्हारे जैसे पति की पत्नी होने से तो विधवा होना अच्छा है। कोबरा स्पीकिंग। मैं फिशरमैन बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो फिशरमैन। मछलियाँ पकड़ ली गई हैं। अब उनका शहर में व्यापार नहीं हो सकता। हाँ हेलो 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 भाई ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हाँ हाँ फिशरमैन ध्यान से सुनो फिशरमैन। 2 बजे काली पहाड़ी पर मेरे आदमी आएंगे, मछलियां लेकर दाम दे जाएंगे। Secret file.
बैग तो खाली है। जी हाँ। इसका मतलब वो साला जिंदा है और यही कहीं छुपा है। जी हाँ। चलो आओ। हेलो 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 अमर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। सुनो, ध्यान से सुनो, रामनगर रोड से दाईं तरफ हेलीपैड की ओर एक रास्ता जाता है, तुम फौरन हेलीपैड पर पहुंचो। हाँ, वहाँ खाई की तरफ 25 फीट नीचे एक पत्थर पर क्रॉस का निशान पाओगे। हाँ, उसके नीचे तुम्हें डिफेंस की फाइल मिलेगी। ओके भाई साहब, आप कहाँ से बोल रहे हैं? इसके पास एक स्टोन क्वारी, वहां से बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आगे जाके क्या होगा, फिर भी मैं पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करूंगा। ले चलो इसे। ऑफ इंडिया सीक्रेट फाइल। भाई साहब बताओ, डिफेंस के सीक्रेट पेपर्स कहां हैं? मुझे नहीं मालूम। तुमको मालूम है और तुम जरूर बतलाएगा। इससे तब तक बात रहो जब तक ये नहीं बताता। विक्रम हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब। उसने बंबई पुलिस का नाम सारे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया है। नौकरी पे न होते हुए भी उसने वो काम किया है जो ड्यूटी पे तैनात कोई भी पुलिस का आदमी आज तक नहीं कर सका। लेकिन वो है कहाँ? सर, मेरी तरह सारा परिवार परेशान है, लेकिन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसके पीछे सिर्फ जयकिशन का हाथ है। आई सी, तो तुम चाहते क्या हो? सर, मैं जयकिशन के अरेस्ट वारंट चाहता हूँ। यू विल गेट इट। Proceed. विशाल। हाँ हाँ, मैं विशाल से प्यार करती हूँ। विशाल ही मेरी जिंदगी है। जिंदगी? तुम्हारी जिंदगी है? बाप ने हमारे घर को शमशान भूमि बना दिया। माँ जी का साया हमारे सर से उठ गया। मेरी मांग में सिंदूर होते हुए भी सुहाग का कहीं पता नहीं। वाह बेटी वाह, क्या प्यार का सबक दिया है तूने। हमारी मौत तुम्हारी जिंदगी बन गई। बदकिस्मती से एक मैं ही बच गई हूँ। ले अपने हाथों से गला घोट दे मेरा, ताकि फिर कोई औरत तेरा जैसे लड़के को पालने के लिए फिर कोई औलाद पैदा न करे। ऐसा मत कहो भाभी। अगर तुम समझती हो कि सारे कलेश की जड़ मैं हूँ, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। ये क्या कर रही हो तुम? भाभी,
यही वो सांप का सपोला है। तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से। चला जाता हूँ, मगर जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे बाप की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। बबूल के पेड़ को किसी ने आम लगते हुए नहीं देखा। पेड़ और इंसान में फर्क होता है। एक अच्छे बाप के घर में बुरा और बुरे बाप के घर में अच्छा बेटा पैदा हो सकता है। मैं नहीं मानती। आपको मानना पड़ेगा। अगर बाली के घर में सुग्रीव और रावण के घर में विभीषण पैदा हो सकता है, तो जयकिशन के घर में विशाल क्यों नहीं पैदा हो सकता? और जिस तरह से बाली की मौत का कारण सुग्रीव और रावण की मौत का कारण विभीषण था, मैं प्यार की कसम खाकर कहता हूं कि जिस दिन मेरा बाप मेरे सामने आएगा, उसे गोली मारते वक्त मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। आओ मिस्टर विक्रम, आओ। फ्रेंड्स, आज के बाद जय किशन की जगह मिस्टर विक्रम हमारा काम करेगा। बिकॉज जय किशन हमारे काम का नहीं रहा, पुलिस उसको ढूंढ रहा है। मिस्टर विक्रम, हमको जय किशन का लाश मांगता है। मिल जाएगा। थैंक यू, पर इंस्पेक्टर गिल भी के गिल हमारा बहुत सीक्रेट जानता है। उसकी लाश भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। Brave man, I wish you the best of luck. Thank you. स्वर्णा, स्वर्णा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा लौटा दो। हाँ, मेरा विक्की लौटा दो, मेरा लाल लौटा दो। विक्की, स्वर्णा, मैं इसके बगैर होश में आओ स्वर्णा, नहीं रह सकती। ना शौक था ना तुम्हें मुझे गहने पहनाने का। ना ये लो गहने, ये लो, लेकिन मेरा लाल मुझे वापस करो। तुम्हें गहने पहनाने का शौक था ना, ये लो पिस्तौल, ये लो गहने, और लो, ये लो, सब ले लो। स्वर्णा, गिल, मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत का बेहद अफसोस है। नहीं अमर, मेरा बेटा मरा नहीं, मैंने उसे अपने हाथों से मारा है। मैं अपने बेटे का हत्यारा हूं। तुम नहीं जानते अमर, मैंने कितने बड़े बड़े पाप किए। कानून की वर्दी पहनकर मैंने गैर कानूनी लोगों का साथ दिया है, शहर बेचने वाले लोगों को बचाया है, उन्हें रास्ता दिखाया है। मुझे क्या पता था कि वही शहर एक दिन मेरे अपने बेटे को खा जाएगा। हेलो, हेलो गिल, मैं विक्रम बोल रहा हूं। विक्रम साहब, आप ध्यान से सुनो। जयकिशन एक घंटे बाद चाइना ब्रिज से गुजर रहा है, उसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। हेलो, जयकिशन, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
अमर, हमें फौरन चाइनाबेट चलना चाहिए। नहीं गिल, तुम्हारे ऐसी हालत में जाना ठीक नहीं। नहीं अमर, आज पहली बार मेरे सामने ऐसा मौका आया है जब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा। चलो। How is it possible? ये कैसे हो सकता है? But sir, facts are this. Finger experts की रिपोर्ट के मुताबिक हमने जिन आदमियों को अरेस्ट किया है उनकी उंगलियों के निशान इस निशान से नहीं मिलते, सिवाय डॉक्यूमेंट्स हासिल करने वाले के कोई बता नहीं सकता। काश विक्रम यहाँ होता। यस सर। आजी साहब। अरे विक्रम, तुम आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। लायन ऑफ माई डिपार्टमेंट, हम अभी तुम्हें याद ही कर रहे थे, हमें तुम्हारी सख्त जरूरत पड़ी है। थैंक यू। अच्छा वो तुम आ गए। बाय द वे, मीट मिस्टर वर्मा ऑफ सीबीआई डिपार्टमेंट। प्लीज टू मीट यू मिस्टर वर्मा। हेलो, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अजी साहब आपसे एक बात करनी है, प्राइवेट में। प्राइवेट बात? हाँ हाँ जरूर। मिस्टर वर्मा सर, प्लीज। ओके सर। बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिएगा, अंदर कोई आए नहीं। ओके सर। देखो अंदर कोई नहीं जाए। अच्छा साहब। विक्रम आखिर तुम हो कहाँ? सारा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें ढूंढ रहा है। सर वो बाद में मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल दुश्मनों तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उनका कोड डिफेंस फाइल में है। डिफेंस? डिफेंस फाइल? आईजी साहब, आईजी साहब, आईजी साहब दरवाजा खोलिए। आईजी साहब, आईजी साहब,
वेलकम मिस्टर विक्रम, वेलकम। क्या काम हो गया? ये रही आपकी फाइल। आज हम बहुत खुश हैं। हिंदुस्तान का डिफेंस सीक्रेट्स हमारी मुट्ठी में है। आज हमारा एम पूरा हो गया। हम आज ही हिंदुस्तान छोड़ना मांगता है और जाने का इंतजाम करो। जाने का इंतजाम भी हो जाएगा। बारकर साहब, मैंने जिंदगी भर आपकी खिदमत की है। ऐसे खुशी के मौके पे कुछ मेरे बारे में सोचिए ना। सोचेगा, तुमको भी खुश करके जाएगा। ओके, अमोल गिल, गिल तुम बचकर कैसे आ गए? अमर, आज मैंने महसूस किया कि सच्चाई मरती नहीं बल्कि अमर हो जाती है। देखो, आज मैंने अपने ही खून से अपने सारे गुनाह धो डाले। गिल, गिल, और से सुनो, शैतान पहाड़ी वाले पंगे पर उनका अड्डा है। आज मैंने अपना काम पूरा किया, अब तुम दोनों अपना फर्ज पूरा करो। जैन, गिल, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आई हो? पानी मिलेगा? मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तुम लोग जाओ अपना काम करो। ये लो पानी। लो। इसमें पानी है? हाँ, ठंडा पानी। हाँ? लो पियो, पियो। अच्छा। ये तो कड़वा है। अरे पगली, इसके पीने से न तो सिर्फ प्यास मिटती है बल्कि सारे गम मिट जाते हैं। ये अंग्रेजी है। अच्छा। हाँ। अंग्रेजी है? हाँ। लो लो पियो पियो। बारकर हिंदुस्तान का राज लेकर आज विदेश जा रहा है। अगर ये लड़की मैं उसे पेश कर दूं तो वो जैकिसन की जगह मुझे दे देगा। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ तो सुनो, तुम इन लकड़ियों से क्या कमा लेती हो? कभी 5, कभी 10 रुपए। बस? अरे पगली, मैं तुम्हें 100 का नोट दूंगा। 100 का नोट? हाँ। हे राम, इतना बड़ा? मैं तुम्हें ऐसे 100-100 के बड़े बड़े कई सारे नोट दूंगा। बस तुम्हें सिर्फ एक बार मेरे मालिक को खुश करना होगा, फिर तो मैं तुम्हें नोटों के ढेर पे बिठा दूंगा। सच? हाँ? नोटों के ढेर पर? हाँ। तो तुम्हारे मालिक तो क्या, तो तुझे भी खुश कर दूंगी दाढ़ी वाले। Oh, my God.
पूरा हिंदुस्तान के डिफेंस का राज हमारी मुट्ठी में है। डिफेंस सीक्रेट्स? बाहों में आ जाऊंगी।
बताओ रील किसके पास है, वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं इसके खोपड़े हिला दूंगा। अपने अपने हथियार फेंक दो। सफेद कुत्ते, सरफरोश तो अपनी जान हथेली पे लेकर चलते हैं। वो देश के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं मगर देश के राज नहीं दे सकते। चल भी बाहर लेके चल, ताकि मालूम पड़े कि तुम लोगों के पीछे किन ताकतों का हाथ है। ना मुंह कमान मुंह मुंह चलो। रुक जाओ भैया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे बंद होने। नहीं छोड़ दो। स्टुपिड, ये छोकरा नेपोलियन बनता है। विक्रम, हमारा सोल यानी डिफेंस सीक्रेट्स का रील इसके पास है। यू मीन फोटोग्राफिक रील इसके पास है? यस यस, डिफेंस सीक्रेट पेपर्स का फोटोग्राफ वाला रील सब इसी का प्लानिंग है। वो भी मिल जाएगा। तो बताओ रील कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। भैया आपको क्या हो गया है? ये मेरा मंगेतर है। अच्छा, तो चोट इधर लगती है और दर्द उधर होता है? Yes, Vikram, they're Romeo and Juliet. Romeo and Juliet हो या हीर रांझा, हर लव स्टोरी का एंड ट्रेजेडी में होता है। भैया आज तुम अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो, उस बहन पर जिसे पालने के लिए तुमने अपनी औलाद तक पैदा नहीं की। औलाद? अरे बेवकूफ लड़की, बहन बेटी बीवी भाई यहाँ तक कि माँ, कोई अपना नहीं। इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो पैसा है, पैसा जिसके लिए आदमी अपनी बीवी और बेटी तो क्या अपने देश को भी बेच सकता है। गद्दार, तू तो बहुत ही नीच और कमीना आदमी है। जो आदमी पैसों के लिए भारत माता को बेच सकता है वो अपनी माँ और बहन का सम्मान क्या करेगा? जुबान बंद कर इसका। अरे जुबान तो क्या, मैं अभी इसकी बोलती बंद करता हूँ। बताओ रील कहाँ है? मेरे पास नहीं है। नहीं है? मर जाने दो मुझे। बताओ। मैं कहता हूँ छोड़ दे इसे। नहीं। बताओ। बताओ रील कहाँ है? बताओ। मेरे पास नहीं है। छोड़ दो इसे। रील मेरे पास है। हाँ। तो रील तुम्हारे पास है? कहाँ है? Vikram, you're really my great partner. अब इस लव स्टोरी का एंड होना बहुत जरूरी है। ये लो, इन्हें खत्म कर दो। ओके। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आदमी से कहो कि हथियार फेंक दे। साफ हथियार फेंक दो। लाओ रेल मुझे दे दो। पिंजरे में बंद कर लेने से शेर की ताकत कम नहीं हो जाती। मैं रुपये पता तू कौन है? बताओ। कमीने, मैं तेरी हर हरकत से वाकिफ हूं। इससे पहले कि तेरी मौत मेरे हाथों हो, बता मेरा भेस तूने क्यों लिया? बताता हूं, बताता हूं। पार्कर ने तुम्हारा ब्रेन वॉश करने की, तुम्हारी दिमागी हालत को बदलने की काफी कोशिश की, लेकिन जब वो नाकामयाब रहा। करते बहुत परेशान हो गया है, मगर उसमें
कोई चेंज नहीं आ रहा है। मिस्टर बार्कर, दिमाग नहीं बदला जा सकता, लेकिन चेहरा तो बदला जा सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दो नकाब बनेंगे, यानी नकली चेहरे, एक विक्रम का और एक मेरा। फिर क्या? विक्रम का नकाब पहनकर मैं अपने नकाब वाले आदमी के साथ गिल का खून करूंगा। गिल मुझ पर गोली चलाएगा, लोग समझेंगे कि जयकिशन मारा गया। उसके बाद मैं विक्रम का नकाब पहनकर कमिश्नर के पास से सारे डिफेंस पेपर्स ले लूंगा। वेरी गुड, गुड आइडिया। इस तरह मैंने विक्रम बनकर नकली जयकिशन को मार दिया, लेकिन इस दौरान गिल वहां से भाग निकला और उसने तुम्हारे छोटे भाई अमर को मेरे अड्डे की खबर दे दी और साथ ही मेरा नालायक बेटा भी यहां आ पहुंचा। बेटा नालायक नहीं, बाप गद्दार है। आप जैसे बाप के साये से तो अच्छा था कि मैं यतीम हो जाता। जय किशन हारी हुई बाजी जीतना जानता है। तेरे जैसे ईमानदार सिपाही मेरे मकसद को पूरा होने से नहीं रोक सकते। सिर्फ तूने ही मेरे रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, तेरी खूबसूरत बहन ने मेरे मासूम बेटे को गुमराह करके शैतान बना दिया। इसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जा। Yeah!
डैडी, विशाल तुमने अपने बाप को मार दिया। विक्रम साहब, फर्ज की जंग में कोई बाप और बेटा नहीं होता, देशभक्त और गद्दार होता है। और तुमने एक गद्दार को मार दिया। डैड, मैं गद्दार हूं, देशद्रोही हूं। बेटा, गद्दारी ऐसी दलदल है जिसमें आदमी एक बार धस जाए तो फिर दोबारा निकल नहीं सकता। लेकिन क्यों डैड, क्यों? क्या कमी थी हमारे प्यार में? आपने मेरी मां की मांग में सिंदूर की जगह देशवासियों का खून क्यों भर दिया? आपने ऐसा क्यों किया डैड, क्यों, क्यों? इसके लिए मैं सिर्फ तुम्हारी नजरों में नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के सामने शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। डैडी, विशाल, विशाल, अपने माँ का ख्याल रखना। विशाल, डैडी, डैडी, डैन को चारों तरफ से घेर लो। खबरदार किसी ने भागने की कोशिश की, गिरफ्तार कर लो इन सबको। नाथ, I'm very proud of you, Vikram. Very proud of you. Sir, ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। विशाल, हम सबको तुम पर नाज है। विदेशी एजेंटों से निपटने के लिए तुम जैसे बहादुर देशभक्तों की जरूरत है। इस फर्ज की जंग में तुम दोनों का बहुत बड़ा हाथ है।